एक हवाई यात्रा बन गई रहस्य, गायब हुए प्लेन का नहीं चला पता। दरअसल जब भी कोई प्लेन हवा में उड़ता है तो उसकी पल पल की जानकारी टेक्नोलॉजी के जरिए मिलती रहती है, जिसके जरिए वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाता है। और कभी दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाए तो उस प्लेन में लगे ब्लैक बॉक्स की मदद से ये पता किया जाता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे था। लेकिन एक प्लेन जब उड़ा तो कभी जमीन पर वापस नहीं लौटा और साथ ही बनकर रह गया पूरी दुनिया के लिए रहस्य कि आखिर वो गया तो कहां गया। दरअसल आज से 7 साल पहले मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन आसमान में उड़ा तो कभी जमीन पर वापस नहीं लौटा। 8 मार्च 2014 को मलेशियाई एयरलाइंस का विमान MS-370 कोलालमपुर से उड़ा था और बीजिंग के लिए रवाना हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 239 यात्री सवार थे, लेकिन अचानक से इसका संपर्क टूट गया और फिर ये कभी नहीं लौटा। जिसके बाद कई देशों ने इसकी खोजबीन के लिए जांच शुरू की, लेकिन आखिर तक इसका पता नहीं चल पाया है। 7 साल से बना हुआ है रहस्य, आखिर कहां गया MH-370 विमान। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ पा रही है। 7 साल बाद भी किसी को ये नहीं पता है कि मलेशिया के विमान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब MH-370 की तलाश में वर्षों से जुटे लोगों को कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं। इसके आधार पर उन्होंने फिर से इस विमान की तलाश शुरू की है। ऑस्ट्रेलियाई सर्च टीम के लीडर पीटर फोले का कहना है कि हाल ही में जो ताज़ा मलबा मिला है उसके आधार पर हमें फिर से जांच शुरू करनी चाहिए। उनका मानना है कि नई तलाश में हमें कामयाबी जरूर मिल सकती है। दावा किया गया है कि हिंद महासागर के नीचे विमान का मलबा मिल सकता है। 7 साल से अंतर्राष्ट्रीय टीमें MH-370 को तलाशने में लगी हुई हैं। खोज अभियान में अभी तक $200 मिलियन यानी करीब 1460 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विमान को ढूंढा जा चुका है, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। 8 मार्च 2014 को विमान ने कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 239 यात्री और क्रू सदस्य थे, मगर ये विमान हवा में ही लापता हो गया और बरसों तक तलाशने के बावजूद निराशा ही हाथ लगी है। ये विमान कभी नहीं मिला, हालांकि कई देशों में इस विमान का मलबा मिला है। मॉरिशियस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में समुद्र में ये विमान का मलबा मिला है। पिछले साल अगस्त में खोजकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका से प्लेन के विंग का एक टुकड़ा मिला था। इसके बाद से नए सिरे से खोज की मांग उठने लगी। 7 साल बीतने के बाद भी जांचकर्ता लगा रहे अनुमान। जहां एक तरफ लगातार 7 साल से इस विमान की खोजबीन चल रही है, तो दूसरी तरफ एक दावा किया गया है। दरअसल हाल ही में एक स्वतंत्र ग्रुप ने इस संबंध में एक रिपोर्ट सार्वजनिक की। विशेषज्ञों के समूह ने संकेत दिए हैं कि विमान का मलबा समुद्र के बिल्कुल नीचे हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विमान बहुत ही तेज गति से नीचे आया था। पूरे रूट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि विमान की क्रैश साइट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के केप ल्यूविन से करीब 1200 मील की दूरी पर हो सकती है। ये क्षेत्र गहरे समुद्र और पानी के भीतर पहाड़ों के लिए जाना जाता है। वहीं से पहले भी कई तरह की थ्योरी सामने आई थी, जिसमें अलग अलग दावे किए गए थे। जो तथ्य सामने आए थे उसके बाद अनुमान लगाया गया था कि पायलट ने एक आत्मघाती कदम उठाते हुए विमान को समुद्र में गिरा दिया। अब नई थ्योरी के बारे में विचार किया जा रहा है, जिसके मुताबिक माना जा रहा है कि पायलट तनाव में होगा, जिस वजह से उसने विमान को समुद्र में गिरा दिया। हालांकि दुनिया की सबसे रहस्यमय विमान संबंधी घटना बन चुके इस मामले में मलेशियाई सरकार पहले से ही पायलट का हाथ होने की बात का खंडन करती रही है। इस बारे में अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट पिछले साल जुलाई में बनाई गई थी। 495 पन्नों की इस रिपोर्ट में लिखा था कि हो सकता है कि विमान के कंट्रोल में गड़बड़ी की गई हो।